हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जा रही थी अपनी ससुराल। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो सावन का है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो अब अपलोड कर देती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सावन के टाइम पर कांवर लेके जाते हैं। तो ये देखिए, कांवर लेके ये सारे लोग जा रहे हैं, तो पूरे ट्रैक्टर वगैरह में भर के जाते हैं। तो इतना बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, रास्ते में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आप झाड़ू लेकर के झाड़ने लगाए, कहीं ऐसा नहीं भूत देखने का के लास्ट सोमवार था, नजर लग गई हो, मतलब चौथा सोमवार उसी दिन का वीडियो है मेरा। तो ये देखिए, भोले की बारात जाती है, तो उसमें भोले की बारात वाला सॉन्ग भी बज रहा था। यहाँ पे हम दोनों बच्चे को एक गाड़ी पे लेके बैठे हुए थे, इस वजह से अच्छे से नहीं बना पा रहे थे, लेकिन मैंने कोशिश की। आज करो गढ़ बहुत ज्यादा भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं मेरे भगवत प्रेमियों। वहाँ पे कावर लेके ही जा रहे थे, मेहमान चले अगवानी को। यहाँ ये गांव के पास में मंदिर पड़ता है, और यहाँ पे देखिए जो बहुत जगह में बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा आगे निकले तो देखिए ये बारिश होने लगी है, मौसम ख़राब हो चुका है। जब घर से निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ रास्ते में पहुँचे तो मौसम ख़राब हो गया। हम लोग तो अभी गांव भी नहीं पहुँच पाए, यहाँ पे तो होने लगी है बारिश। तो देखिए मौसम कैसा हो चुका है, बुनियान लगो बारिश होने लगी है। अब बच्चे ये देखो कैसे मजे कर रहे हैं, बारिश होने लगी थी, लेकिन ये पापा हमारा सोने लगा था, और यहाँ पे हम दोनों को उठा दिया। देखो ये कैसे मस्ती करने लगे हैं। बारिश हो रही है, सोने लगी। देखो भैया बारिश होने लगी है बड़ी तेज से, जल्दी चलो। देखिए दोस्तों, हम लोग तो गांव भी नहीं पहुंच पाए, यहाँ बारिश इतनी तेज हो गई कि हमें रास्ते में ही रुकना पड़ा। तो देखिए बारिश इतनी तेज हो रही, तो हम लोग सब लोग यहाँ रास्ते में रुके हुए हैं, वो भी जंगलों में रुके हुए हैं। ये देखिए, अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, अब बुला रहे हैं, चलो हम कह रहे हैं रुक जाओ, भी बारिश बहुत तेज हो रही है, बच्चे भीग जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव के पास में ही। गांव के पास में यहीं पे हम लोगों के खेत वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे ये देखिए यहीं पे नहर पड़ती है, ये यहाँ नहर का पुल है। ये देखिए अभी इस समय कितना ज़्यादा नहर में पानी है, पूरी नहर भरी हुई चल रही है। तो अभी ये बोल रहे हैं, आप लोग खुद ही सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं,
मुंह ढकने को कह रहे हैं, गांव में हम मुंह ढक लेते हैं। ढको मुंह ढको तुम। चलो ना, हम तो ढके हैं। नहर वाले पुल पे ही लगती है मार्केट, यहाँ पे लोग खाने पीने वाली चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं गांव के रास्ते। ये देखिए गांव की रास्ता ये है, और ये देखिए खेत कितने अच्छे से गन्ना खड़ा हुआ है, गन्ने के खेत हैं इनमें घूमो जाके। और इधर ये धान लगे हुए हैं। कराए दो गांव, हरियाली हरियाली है गांव। ये देखिए आप, इधर देखिए, देखिए ये हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं। अब ये मेरा गेट है लगा हुआ, ताला पड़ा हुआ है अभी। अब हम चलते हैं, इसको ताला खोलते हैं। चलो, हाँ ताला खोलते हैं। देखिए मम्मी कल आई थी यहाँ पे, तो साफ सफाई करके गई है, घास आस निकाल के यहाँ से। यहाँ जो बुला रहे हैं, गेट खोलिए, यहाँ तो कोई है नहीं, तो गेट खोलेगा कौन। देखिए घर के अंदर एंट्री हो रही है, ये देखिए, ये हमारे घर में जामुन का पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा सा है, इसमें जामुन भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत मीठे लगते हैं। खाए हैं एक बार, खाए हैं इसमें के जामुन। हम तो वहाँ घर पे पहुँच ही पाए, तब तक चाची का लड़का आ गया हम लोगों को बुलाने के लिए। तो यहाँ हम तब तक छत पे जा रहे थे, छत पे ही चढ़ के गए, उधर चाची आ गई लेने के लिए। तो यहाँ पे ये चाची हम लोगों को अपने घर पे लेके जा रही हैं। यहाँ जीने से ही हम चले गए नीचे, यहाँ पे चाची चाय बनाने लगी। मेरा तो व्रत था इसलिए मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो चाची चाय बना रही थी, उनके यहाँ गैस ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे हम चाय वगैरह पी के चाची के पास बैठे बातें कर रहे थे। तो दोस्तों हमें टाइम भी हो रहा था जाने का, और यहाँ पे तब तक चाची ने लैया वगैरह बच्चों को खाने के लिए दे दी, तो यहाँ बच्चे लैया खा रहे हैं। और ये चाची का घर है जो मैंने पहले दिखाया था, वो मेरा घर था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा घर कैसा लगा। तो दोस्तों हम चलते हैं, ये आ गए वापस। गाँव में हम ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सकते थे, तो हमने बाहर से कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।